आज मॉडर्न साइंस की मदद से रोजाना नए नए इन्वेंशंस किए जा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंशिएंट साइट्स, हिस्टोरिक स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स, मैप्स, बुक्स, स्टोन कार्विंग्स जैसी कई चीज़ों का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। इसी लिस्ट में एक नाम बेट्स स्फीयर का भी आता है। ये एक ऐसा गोला है जिसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है। इस गोले के अंदर जादुई शक्तियां मानी जाती हैं। ये गोला एक ऐसे मेटल से बना है जो धरती पर पाया ही नहीं जाता। कुछ लोगों का मानना है कि ये गोला प्राचीन सभ्यता के लोगों का एक हथियार हुआ करता था, जिसकी मदद से एटलांटिस शहर को खत्म किया गया था। नासा के वैज्ञानिकों और यूएस आर्मी ने भी इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की, लेकिन इस पर जितनी रिसर्च की गई उतने ही नए सवालों का जन्म भी हुआ। इस गोले को कब और किसने बनाया इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं कि बेट्स स्फीयर नाम के इस रहस्यमय गोले की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, साल था 1974। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में फोर्ट जॉर्ज आइलैंड पर बेट्स फैमिली खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। ये एक समृद्ध परिवार था जिनके पास करीब 88 एकड़ की जमीन थी। इस जमीन पर वो टिम्बर की खेती किया करते थे। एक दिन अचानक बेट्स फैमिली की जमीन में भयंकर आग लग गई। सब कुछ धूं धूं कर जलने लगा था, लेकिन टेरी बेट्स को मैदान में एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। आग लगने के बावजूद वो गोला न तो काला हुआ था और न ही खराब हुआ था। टेरी ने उस गोले को उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया। वो गोला काफी भारी था। उसका वजन लगभग 10 किलो के आसपास था। वो बॉलिंग बॉल से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन वजन में उससे ज्यादा था। गोले का डायमीटर करीब 8 इंच था। टेरी को गोला पसंद आया और उसे वो उठाकर घर ले आया। उसने उस गोले को अपने रूम में शोपीस के तौर पर रख दिया। अभी तक टेरी या उसकी फैमिली को नहीं पता था कि आखिर वो गोला कितना रहस्यमयी है। उन्हें लगा कि शायद ये नासा या फिर सोवियत यूनियन के सैटेलाइट का कोई पार्ट हो सकता है, या फिर वर्ल्ड वॉर के समय का कोई बॉम्ब हो सकता है। बेट्स फैमिली ने इन सभी बातों को इग्नोर किया। उन्हें बस एक चीज अच्छी लग रही थी कि गोले में कहीं भी जंग नहीं लगा था और वो चमक रहा था। कुछ दिन शांति से बीत गए। एक दिन टेरी अपनी दोस्त के साथ रूम में गिटार प्रैक्टिस कर रहा था। गिटार बजाने के दौरान उसे कुछ वाइब्रेशंस की आवाज सुनाई दी। टेरी और उसकी दोस्त ने गिटार बजाना बंद किया और ध्यान से सुना कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो वाइब्रेशंस की साउंड उसी गोले में से आ रही थी जो टेरी को अपने खेत में मिला था। कुछ देर में आवाज़ बंद हो गई, लेकिन टेरी ने जैसे ही गिटार दोबारा बजाया, बॉल में से दोबारा आवाज़ें आनी शुरू हो गई। फिर कुछ देर में आवाज़ आना फिर बंद हो गई, लेकिन तभी टेरी का पालतू कुत्ता अजीब तरह से भौंकने लगा। उसे शायद अब भी बॉल में से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कई जानवर इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन लेते हैं। इसके बाद टेरी ने उस गोले को जमीन पर रखा और वो जैसे ही चलने लगा, गोला भी उसके पीछे पीछे आने लगा। टेरी घर में जहां भी जाता, गोला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। टेरी ने गोले को उठाकर टेबल पर रख दिया और उसे रोल किया। हैरानी की बात यह थी कि वो गोला टेबल पर से नीचे नहीं गिरा। किनारे पर आकर गोला रुक जाता है और दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जब टेरी ने एक साइड से टेबल को टेढ़ा किया तो गोला ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस गोले के अंदर कोई एंटी ग्रेविटी पावर आ गई हो। बेट्स फैमिली ने उस गोले के बारे में और लोगों को बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस गोले की चर्चा होने लगी। क्योंकि वो गोला बेट्स फैमिली के पास था, इसलिए उसका नाम बेट्स स्फीयर रख दिया गया। बेट्स फैमिली ने नोटिस किया कि धूप में जब वो गोला रखा जाता था तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता था, यानी उसके मूव करने की स्पीड और उसकी साउंड बढ़ जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे धूप से उसे एनर्जी मिल रही हो। लेकिन 1970 में सोलर एनर्जी के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं थी। दोस्तों, जब बेट्स स्फीयर की बात मीडिया हाउसेस तक पहुंची तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पब्लिश होने लगे। पूरे शहर में इस गोले की चर्चा होने लगी थी। न्यूज़पेपर आर्टिकल में दावा किया गया कि जो भी इस गोले को टच करता है ये उसी के पीछे घूमने लगता है। रात को कई बार गोले में से आवाजें भी आती थी। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में फोटो जर्नलिस्ट लव एंगर को पता चला। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की फोटो लेने में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने बेट्स स्फीयर की फोटो ली और उससे रिलेटेड आर्टिकल कई न्यूज़पेपर में पब्लिश किए। फ्लोरिडा सहित पूरे यूएस के लोग अब इस गोले के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। कई रिसर्चर्स बेट्स फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि नासा और यूएस आर्मी ने भी बेट्स फैमिली से संपर्क किया। यूएस आर्मी ने जब बेट्स फैमिली से वो गोला मांगा तो फैमिली ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि यूएस आर्मी के फोर्स करने पर जेरी बेट्स ने एक डील साइन की।
इसमें कहा गया था कि 2 हफ्ते के लिए वो ये गोला आर्मी को रिसर्च करने के लिए देंगे और अगर ये गोला US गवर्नमेंट का नहीं हुआ तो आर्मी उसे वापस रिटर्न कर देगी। 2 हफ्ते तक आर्मी के साइंटिस्ट ने गोले पर रिसर्च की और कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। उस गोले के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पाई गई, जैसे कि मैग्नेट्स के चारों ओर पाई जाती है, लेकिन वो गोला मैग्नेट नहीं था। साथ ही उसके आसपास कुछ रेडियो सिग्नल्स होने की भी बातें सामने आई। साइंटिस्ट ने उस सिग्नल्स को डिकोड करने की काफी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। साथ ही उस गोले के अंदर एक्सरे डालकर भी देखा गया, लेकिन वो स्फीयर ऐसे मेटल से बना था जिसके अंदर एक्सरे जा ही नहीं पा रहा था। करीब 2 हफ्ते की रिसर्च के बाद US आर्मी ने वो गोला बेट्स फैमिली को वापस लौटा दिया। जब बेट्स फैमिली को वापस गोला मिला तो उनके घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उस गोले में से एक ऑर्गन जैसी आवाजें आने लगी। दरवाजे कई बार अपने आप खुल जाते, बंद हो जाते। बेट्स फैमिली ने अपनी संतुष्टि के लिए कुछ और साइंटिस्ट को वो गोला रिसर्च करने के लिए दिया। जुलाई 1974 में डॉक्टर कार्ल विंस्टन नाम के साइंटिस्ट ने बेट्स स्फीयर पर रिसर्च की। उनके अलावा डॉक्टर एल्बर्ट हाइनक और डॉक्टर जेम्स एल्बर्ट हार्डर ने भी उस गोले पर गहराई से रिसर्च की। इस बार पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जब उस स्फीयर पर पावरफुल एक्सरे डाली गई तो पता चला कि वो गोला 3 अलग-अलग स्फीयर से मिलकर बना है। इसकी सबसे आउटर शेल करीब 3 इंच मोटी है। साइंटिस्ट इस बात से हैरान थे कि आखिर बाकी स्फीयर्स को इसके अंदर कैसे डाला गया होगा, जबकि उस गोले के ऊपर कोई भी कट के निशान नहीं थे। वो कोई साधारण गोला नहीं था, बल्कि वो स्पेशल अलॉय से बना हुआ था जिसका एटॉमिक नंबर 140 था। इतने बड़े एटॉमिक नंबर वाला अब तक कोई भी मेटल धरती पर नहीं मिला है। यूरेनियम सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है जो नेचुरली पाया गया है। इसका एटॉमिक नंबर भी 92 होता है। ऐसे में साइंटिस्ट ने कहा कि यकीनन इस स्फीयर का कनेक्शन किसी दूसरे ग्रह से या एलियन से है। बेट्स स्फीयर बहुत अधिक गर्मी झेल सकता था। 1,20,000 स्क्वायर पर इंच का प्रेशर भी वो झेल सकता था। लास्ट में साइंटिस्ट ने यही कहा कि शायद ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस या फिर ये एलियंस का कोई वेपन है जिससे उन्होंने धरती पर कभी अटैक किया होगा या गलती से उनका ये वेपन गिर गया होगा। कुछ थ्योरीज में कहा गया कि शायद ये प्राचीन समय की किसी उन्नत सभ्यता का कोई सबूत है। नासा या सोवियत यूनियन ने भी इस ऑब्जेक्ट को अपने किसी सैटेलाइट का हिस्सा बताने से इनकार कर दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेट्स फैमिली के घर पर रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट की लाइन लगने लगी। लोग स्फीयर को देखने के लिए बेचैन होने लगे थे। ऐसे में फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो फ्लोरिडा छोड़ देंगे। जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद फैमिली को वो गोला वापस किया तो उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जा चुकी थी। अब न तो उसके अंदर कोई म्यूजिक की साउंड आती थी और न ही वो लोगों के पीछे घूमता था। उस स्फीयर पर कुछ कट्स के निशान भी बेट्स फैमिली ने नोटिस किए। फैमिली के लोग समझ गए कि वैज्ञानिकों ने उसे काट कर देखने की बहुत कोशिश की, इसी वजह से इसकी चमत्कारी प्रॉपर्टीज चली गई हैं। बेट्स फैमिली ने फ्लोरिडा छोड़ दिया और इसके बाद उस गोले का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि उस स्फीयर को अमेरिका की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो आज भी अमेरिका के रहस्यमय इलाके एरिया 51 में रखा हुआ है। दोस्तों, बेट्स स्फीयर का पूरा रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ थ्योरीज की माने तो ये एक साधारण लोहे का टुकड़ा था। इसके अंदर न तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी और न ही कोई एंटी ग्रेविटी पावर। लोगों के पीछे घूमने की और साउंड आने की बातें भी कोरी अफवाह थी। बेट्स फैमिली ने सिर्फ फेमस होने के लिए ये अफवाह उड़ाई थी कि उनके पास एलियन टेक्नोलॉजी का कोई आर्टिफैक्ट है, क्योंकि 1970 में वेस्टर्न कंट्रीज में UFO और एलियंस की बातों में लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। इसीलिए बेट्स फैमिली ने ये पूरा नाटक रचा था। खैर, सच क्या है ये तो इतिहास के पन्नों में दफन है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बेट्स स्फीयर के अंदर सच में कई रहस्यमय शक्तियां थीं, तो भी इसमें कोई अति शक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे रहस्यमय आर्टिफैक्ट्स की कोई कमी नहीं है जिसका साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं है। और जब साइंटिस्ट को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उन बातों को अफवाह बताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें बियॉन्ड द साइंस होती हैं जिसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बेट्स स्फीयर की पूरी रहस्यमय कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये स्फीयर दूसरी दुनिया का था या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ढेर सारी मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।